कितना सुकून भरा गाना गाती है ये महिला। होपफुली आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि मुझे ये गाना बहुत पसंद है। क्या अलाप लेती है, पता नहीं कौन सा स्टाइल है ये, अरबिक या फिर टर्किश या फिर मिडिल ईस्ट का कोई सा स्टाइल हो सकता है, कन्फर्मली मुझे पता नहीं है, पर बहुत सूदिंग, कितना कानों को आराम पहुंचाने वाला है ये अलाप। हिंदी में तो अलाप ही बोलते हैं और तो फिर क्या पता। तो बात आती है आज शॉटगन पे, शॉटगन मास्टर। और वैसे मास्टर तो मैं हर एक वेपन का हूँ जैसा कि आपको पता है, पर कभी कभी मैं अपनी पढ़ाई करना का चांस जो है वो छोड़ता नहीं हूँ। पता नहीं कुछ भी बोले आ रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज इस शॉटगन मास्टर वाले वीडियो में। शॉटगन मास्टर क्यों, क्योंकि शॉटगन एक बहुत ही पावरफुल वेपन है। 15 मीटर के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा डेडली है, 20 मीटर के अंदर चलाने लायक वेपन है। और अभी भी हंटर अभी भी ऐसी गन है मॉडल A10 हंटर कि इसके कहने की क्या। इसका जो एक सिर्फ एक ही जवाब है इस वेपन का जो है मॉडल A10 फैक्ट्री, वो भी शॉटगन ही है। इसके पहले शायद जो अनलॉक होती है वो, और उसमें शायद रीलोड का थोड़ा सा फ़र्क है इसके मुकाबले पर। जो कौन 15 मीटर के जो रेंज में जो कौन ये गन ऑफर करती है, मुझे लगता नहीं वो कोई और शॉट गन ऑफर करती है वन शॉट पंप एक्शन किल वेपन में। तो मैंने इस वेपन से ऑलमोस्ट 1700 किल्स मेरी होने वाली हैं इस शॉट गन हंटर से। मेरी बहुत ही बहुत फेवरेट रही है शुरुआत के दिनों से ही, और अभी भी मैं शॉट गन लेके जाता हूँ तो मैं इसे ही यूज़ करता हूँ। क्योंकि मेरी 1700 किल्स हो चुकी हैं तो मैं थोड़ा अब शॉट गन अवॉइड करता हूँ बहुत क्लटरी सिचुएशन में जहाँ की एक्चुअली बहुत सारे एनिमीज हैं। आर्गन फॉरेस्ट है आपका, आपका स्विस कैनाल है, तो ऐसी जगहों में शॉटगन बहुत फेवरेबल वेपन होता है किसी भी ऐसे बंदे के लिए जिसको पता है कि वो यहाँ जाएगा तो किल्स कर सकता है, वहाँ उसको बहुत सारी किल्स मिलेंगी। ग्रेनेड 2-3 लॉब किए, गैस ग्रेनेड लॉब किया, मास्क पहना और थपा थप किल्स करना शुरू। मास्क से याद आया, मास्क पहनने से आपकी एक्यूरेसी कोई बहुत ज़्यादा ग्रेटली कहते ना कि बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ नहीं होती है, आप मास्क पहनने के बाद भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो शॉटगन से। केवल हमें कई बार स्टैट्स में नहीं जाने का कि वहाँ पे लिखा है यार अगर मैंने मास्क पहन लिया तो वहाँ से 0.32, 0.56 पॉइंट ये पॉइंट डिमकार फलाना जो भी है इतनी मेरी एक्यूरेसी कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, उतना डीप में नहीं जाने का। वो सुपर एडवांस स्टैट्स होते हैं और उतना डीप में जाने का नहीं, वो इतना आप यूं भी शॉटगन बॉडी पे चलाते हो, सर के लिए आप एम करते ही नहीं, बॉडी ऑलरेडी बहुत बड़ा टारगेट होती है। अगर आप शॉटगन का जो क्रॉस हेयर देखोगे कि पूरा सर्कल जैसा है, बहुत बड़ा टारगेट है वो उसमें मैचअप करने के लिए और शूट करने के लिए। तो मास्क पहनना तो बिल्कुल अनिवार्य है और पहनना ही पहनना चाहिए मास्क अगर आप गैस ग्रेनेड प्लस एंटी टैंक ग्रेनेड लेके चल रहे हो मेरे जैसा लोड आउट। और मोस्टली हर कोई यही लोड आउट लेके चलता है, मुझे लगता है सबसे बेस्ट लोड आउट है ये। और अगर बात करें काफ़ी लोग गैस ग्रेनेड के बदले लाइट वेट टैंक या फिर इम्पैक्ट ग्रेनेड यूज़ करते हैं, पर मैं ज़्यादा उन पर रिलाई नहीं करता। मैं गैस ग्रेनेड यूज़ करता हूँ और फिर बस अंदर घुस के दुश्मनों का मैं सफाया कर देता हूँ। और रिसेंटली हो सकता है आपके मन में आ रहा हो कि 3-4 दिनों से काफ़ी कम वीडियोज़ थे चैनल पर, बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि पता नहीं किस चीज़ का हैंगओवर चढ़ा हुआ है मुझे बिना दारू के। और दारू एक्चुअली मैं पीता नहीं, एक्चुअली मैं किसी भी तरह का कोई व्यसन नहीं करता हूँ सिवाय गेमिंग के। तो पता नहीं क्यों हैंगओवर 3-4 दिनों से चढ़ा हुआ है, और उठो तो सर में मतलब भारीपन, कोई दर्द नहीं किसी तरह का पर थोड़ा सा भारीपन। और सबसे ज़्यादा हल्का मैं महसूस करता हूँ रात के 12-1 बजे जब पता नहीं क्यों, और थोड़ा सा स्केड्यूल मेरा ख़राब हो गया है नींद का, और पता नहीं सब चीज़ें अभी उथल पुथल चल रही हैं, इसलिए मैं मतलब 5-6 बजे शाम को जब मैं स्ट्रीम मेरा नॉर्मली स्ट्रीम करने का टाइम स्टार्ट होता है तब से अभी भी बज रहे हैं 7 बजे के आसपास। अब थोड़ी देर में ये वीडियो देखने वाले हैं और मतलब ऐसा हैंगओवर चढ़ा रहता है सर में, ऐसा भारीपन, पता नहीं मैं इसको कैसे दूर करूँ, पर मैं वेट कर रहा हूँ कि फेस जल्दी निकले और पता नहीं कब निकलेगा। और मेरा स्लीपिंग स्केड्यूल मुझे लगता है जब सही हो जाएगा तब ये चीज़ मेरी प्रॉपर रूटीन में आ जाएगी और इतना मुझे दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। होपफुली मेरा रूटीन सोने का वापस लौट आए 11-12 बजे वाला, पता नहीं। तो दोस्तों बहुत बहुत थैंक्स मेरे चैनल पर सपोर्ट करने के लिए रिसेंटली और थ्रू आउट जब से मैं काम कर रहा हूँ यूट्यूब पे, बहुत बहुत थैंक्स। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
होपफुली जल्दी हम लाइव स्ट्रीम स्केड्यूल पर लौटेंगे वापस। बहुत बहुत थैंक्स वीडियो देखने के लिए। मैं हूँ गोल्डी, आने वाले वीडियोस में आपसे फिर मिलूंगा। भारत माता की जय।